क्या आवाज नहीं अपनी बात कहां तक हुई थी? महानदी हुई थी ना, लेकिन महानदी के बाद हम डायरेक्ट ना मनपुर तक भी आपको आवाज नहीं। अपने जो टॉपिक चल रहा था इंडियन टॉपिक का, वो टॉपिक चल रहा था कहीं ना कहीं, मैंने बताया आप लोगों को, बताया था भैया जो टॉपिक चल रहा था अपना दरखा इन दरखा, मैंने बताया इंडिया की ट्रॉफी के अंतर्गत भारत में नदियां हैं, और भारत में नदियों को मैंने बताया जो खबर में मैंने बताया था आप लोगों को, एक हिमालयी नदी और एक मैंने बताया प्रायद्वीपीय नदी। लेकिन हिमालयी नदियों को मैंने बताया मुख्य रूप से तीन अपवाह तंत्रों में मैंने बांटा था, जिसमें सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र की बात की। सिंधु नदी तंत्र में मैंने आप लोगों को सिंधु, नीलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियों को पढ़ाया था। लेकिन उसके बाद सिंधु नदी तंत्र के बाद हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से गंगा नदी तंत्र पर, और गंगा नदी तंत्र में मैंने आप लोगों को दरखना गंगा नदी को पढ़ाया था, यमुना नदी को पढ़ाया था, गंडक नदी को पढ़ाया था, कोसी नदी पढ़ाई, कोसी के बाद मैंने दिया आप लोगों को दरखना कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से महानदी पढ़ाई। तो ये सभी चीजें दरखना अपनी मैंने बताया दामोदर हुई थी, तो ये सभी नदी दरखना गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पढ़ाई। उसके बाद मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मैंने आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी को कल पढ़ाया था अच्छी तरीके से। उसके बाद इसी तरीके से अपनी हिमालयी नदियां दरखना खत्म होती हैं, उसी प्रकार से हम लोग अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी। तो दरखना उत्तर भारत से हम दरखना अब बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों की। तो कल हमारी महानदी की बात हो गई थी, तो महानदी भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से एक प्रायद्वीपीय नदी है। कैसी नदी है? मैंने आप लोगों को बताया था कि गंगा हो गई, सिंधु हो गई, सतलज हो गई, ये सभी कहीं ना कहीं मैंने बताया हिमालय नदियां थी। लेकिन मैंने बताया गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, उसके बाद कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सभी कैसी नदियां हैं? मैंने बताया प्रायद्वीपीय नदियां। क्लियर है भैया? तो अपनी कल बात हो गई थी दरखना महानदी पर, और महानदी के बाद हम दरखना प्रायद्वीपीय भारत की अगली नदी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अपना गोदावरी। मैंने बताया हम लोग बात करना चाहते हैं किसकी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो एक चीज समझना है, मैं एक एक चीज दरखना गोदावरी नदी के बारे में क्लियर करना। आवाज बिल्कुल ना करें आप लोग, देखिए हम लोग गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज अपन लोगों को समझना है। सबसे पहले अगर हम लोग गोदावरी नदी की और बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक नदी का जो फर्स्ट पॉइंट आया है वो नदी का उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल मेरा मतलब है कि वो नदी निकली कहाँ से, ये बात आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। तो देखो अपनी जो बात चल रही है गोदावरी नदी पर चल रही है, तो गोदावरी नदी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो नदी है दरखना, भैया मैंने बताया गोदावरी नदी, इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ, यानी कि नदी निकली कहाँ से है, तो इस बात को हमें समझना है भैया। यहाँ पर थोड़ा समस्या है कि रहा अपना मध्य यानी भारत का कौन सा कंट्री, महाराष्ट्र, कौन सा? महाराष्ट्र। और मैंने बताया भैया ये चीज अपन लोगों को समझना है, ये अपने महाराष्ट्र दरखना मैंने बताया है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का एक जिला है जिस जिले का नाम है नासिक जिला, कौन सा जिला? नासिक जिला। क्लियर है भैया? तो मैंने बताया कहीं ना कहीं अपन लोगों को ये चीज समझना है कि जो नासिक जिला है भैया वो अपने कौन से राज्य में है भारत के में? महाराष्ट्र में। और इस नासिक जिले में ही प्रमुख रूप से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, कौन सी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, या इन्हीं के आसपास है नासिक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? नासिक की पहाड़ी। तो हम बोल सकते हैं या तो नासिक की पहाड़ी बोल सकते हैं या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। तो मैंने बताया महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट त्र्यंबकेश्वर या नासिक की पहाड़ियों से मैंने बताया भैया ये चीज अपन लोगों को समझना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्रह्मपुर से महाराष्ट्र के नासिक के निकट दरखना मैंने बताया कहीं ना कहीं ब्रह्मपुर से त्र्यंबकेश्वर या नासिक की पहाड़ियों से अपनी निकली है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और ये दरखना महाराष्ट्र से दरखना तेलंगाना और तेलंगाना से
आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए एक नदी अंत में जाकर कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर जाकर गिर जाती है भैया यह नदी अंत में, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है भैया, कहां पर जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। देखो मैंने आप लोगों को गोदावरी नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया है भैया कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नाशिक जिले के ब्रह्मकेश्वर या नाशिक पहाड़ियों से हुआ है। तो मैंने आप लोगों को गोदावरी नदी के बारे में बात की है, तो मैंने आप लोगों को इस नदी का उद्गम बताया गया कि इस नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नाशिक जिले के त्र्यंबकेश्वर या नासिक पहाड़ियों से नदी निकलती है। उसके बाद देखना मैंने बताया कि नदी महाराष्ट्र से निकलकर कहाँ पर आती है, आंध्र प्रदेश कहाँ पर आती है, यानी सॉरी कहाँ पर आती है, तेलंगाना। और तेलंगाना की बात की नदी मैंने बताया कहाँ पर जाती है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर जाती है, आंध्र प्रदेश। क्लियर है भैया, तो मैंने बताया आंध्र प्रदेश में जाने के बाद तेल नदी दारकना आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए अंत में दारकना मैंने बताया गोदावरी डेल्टा का निर्माण करते हुए कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है भैया, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है भैया कहीं ना कहीं इस नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर या नासिक पहाड़ी से हुआ है। उसके बाद मैंने बताया ये नदी कहीं ना कहीं कर्कवृत से, मैंने आप लोगों को बताया है भैया महाराष्ट्र से प्रवाहित होते हुए कहां पर पहुंचती है, तेलंगाना। कहां पर पहुंचती है, तेलंगाना। और तेलंगाना से प्रवाहित होते हुए ये नदी कहां पर पहुंचती है भैया, आंध्र प्रदेश। कहां पर पहुंचती है, आंध्र प्रदेश। क्लियर है भैया, और आंध्र प्रदेश में बहती हुई ये नदी गंगोत्री से अंत में जाकर गंगोत्री से कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिर जाती है भैया, बंगाल की खाड़ी में। ये चीज अपन लोगों को समझा, क्लियर भैया। तो मैंने आप लोगों को धरखना गोदावरी नदी का उद्गम स्थल व उसका प्रवाह क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने बताया भैया कि इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर या नासिक पहाड़ियों से होकर ये नदी महाराष्ट्र से दारकना तेलंगाना पहुंचती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए ये नदी कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन अपन लोगों को दारकना भैया गोदावरी नदी के बारे में अपन लोग वही आगे की ओर पॉइंट करें, समझे। तो मैंने आप लोगों को दारकना सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एक चीज समझना है। तो मैंने बताया भैया दक्षिण भारत, मैंने आप लोगों से दक्षिण भारत और दक्षिण भारत को मैंने बताया है प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण भारत व प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी की अगर हम लोग बात करें तो वो नदी है अपनी कौन सी, गोदावरी नदी। लेकिन इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि भारत की सबसे लंबी और भारत की सबसे बड़ी नदी मैंने आप लोगों को गंगा नदी को पढ़ाया था। लेकिन गंगा नदी के बाद जो दूसरा स्थान आता है दरकना वो है गोदावरी नदी का, कौन सी नदी का, गोदावरी नदी का। तो मैंने बताया गोदावरी नदी भैया कहीं ना कहीं गोदावरी नदी को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। लेकिन इस नदी को मैंने बताया भैया दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी होने की वजह से इस नदी को वृत्त गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है भैया, तो आप लोगों को मैंने बताया है भैया कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से आप लोगों को ये समझना है भैया कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत बोले तो भैया प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है, सबसे लंबी व बड़ी नदी है। क्लियर है भैया, और मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं ये चीज समझना है आप लोगों को, मैंने बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं प्रमुख से हम लोग गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया गोदावरी नदी भैया दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत को मैंने बताया भैया प्रायद्वीप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है प्रायद्वीप
खंड जो तीनों उपसागर से घिरा है। तो इधर अरब सागर है हमारे भारत में, इधर महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी, इसीलिए हम दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी बोलती है। तो मैंने बताया गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, क्लियर है भैया। लेकिन हम लोग वहीं आगे की अगर बात करें तो अपन लोगों को पता होना चाहिए भैया कि कहीं ना कहीं गंगोत्री से सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी होने की वजह से इस गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या ब्रह्म गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है भैया। तो ये चीज समझना है भैया अपन लोगों को, बेस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अपने एग्जाम के लिए। गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को ब्रत गंगा बोले तो बूढ़ी गंगा, क्लियर भैया। तो मैंने बताया गोदावरी नदी को ब्रत गंगा हुआ दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया डायरेक्टली कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को, कौन सी नदी को कहा जाता है भैया, गोदावरी नदी को। तो मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, और सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी होने की वजह से इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा वो ब्रत गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं भैया, गोदावरी नदी को, कौन सी नदी को बोलते हैं भैया, गोदावरी नदी को। लेकिन अपन लोगों को पता होना चाहिए भैया कि इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1465 किलोमीटर। इस नदी की जो लंबाई है भैया वो कितनी है, 1465 किलोमीटर, कितनी है भैया, 1465 किलोमीटर। लेकिन भैया अपन लोगों को ये चीज समझना है भैया, अगर गोदावरी नदी की हम लोग रखना आवास नहीं भैया, किसकी बात करते हैं, सहायक नदियों की, किसकी बात करेंगे, सहायक नदी की होगी। तो मैंने बताया भैया आप लोगों को, मैंने बताया आवास नहीं आप लोगों को, मैंने एमपी जीके में भी दरकना भैया कहीं ना कहीं गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ाया था, और जिसमें मध्य प्रदेश की दरकना मैंने बताया बैनगंगा नदी हो गई, उसके बाद बैनगंगा हो गई, और बैनगंगा के बाद मैंने आप लोगों को बताया कौन सी भैया दरकना, मैंने बताया कि सभी कौन सी नदी की सहायक नदियां थी, दरकना गोदावरी की, क्लियर भैया। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था कि बर्दा हो गई, बैनगंगा हो गई, पैनगंगा हो गई, ये सभी की सभी नदियां भैया कौन सी नदी की सहायक नदियां है, गोदावरी नदी की, क्लियर है भैया। तो आप लोगों को मैंने बताया है भैया बर्दा हो गई, उसके बाद मैंने बताया बर्दा की बात दिया, मैंने बताया बैनगंगा हो गई, बैनगंगा हो गई, क्लियर है भैया, बैनगंगा हो गई, उसके बाद मैंने बताया है भैया कहीं ना कहीं पैनगंगा हो गई, ये सभी जो नदियां है भैया एक कौन सी नदी की सहायक नदियां है, डायरेक्टना मैंने बताया कहीं ना कहीं सहायक नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की, क्लियर भैया। लेकिन अपन को धरना गोदावरी नदी में एक लास्ट और अंतिम पॉइंट समझना है जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में कुंभ के मेले का जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं मैंने बताया कितने चार जगह किया जाता है, भारत में जो कुंभ का जो आयोजन है भैया वो कहीं ना कहीं कितने जगह किया जाता है, चार जगह, एक केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उसके बाद मैंने बताया कहाँ पर भी आना, एक उज्जैन यानी नासिक में और एक अपना उज्जैन, इन चार जगहों पर भरता है क्या भैया कुंभ, भारत में जो कुंभ का मेला है उसका आयोजन भारत में चार जगहों पर किया जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नासिक और अपना उज्जैन। तो मैंने बताया भैया आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो कुंभ का मेला लगता है वो गंगा नदी पर लगता है, लेकिन मैंने बताया भैया आपको एमपीजी के में स्पेशली मैंने पॉइंट पढ़ाया है कि कुंभ के मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छिपरा नदी के किनारे किया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आवास से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासिक में जो कुंभ का मेला भरता है भैया उसका आयोजन कौन सी नदी पर किया जाता है, और इस कुंभ के मेले का जो आयोजन है भैया वो प्रत्येक वर्ष में दाखिला मैंने बताया प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया, कहीं ना कहीं मैंने बताया महाराष्ट्र के नासिक में जो कुंभ मेला भरता है भैया, कुंभ का जो मेला भरता है भैया वो तो कौन सी नदी के किनारे लगता है, गोदावरी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे भैया, गोदावरी नदी के किनारे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र यानी नासिक का कुंभ कौन सी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, तो कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। लेकिन भैया मैं आपसे अब भी बताए दे रहा हूँ
इस नदी की धारकना 3.6 बड़े ही इम्पोर्टेंट है। एक इस नदी का उद्गम स्थल जो पेपर में सर्वाधिक मात्रा में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद मैंने बताया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत या प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि कहीं ना कहीं कौन सी नदी को मृत गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी। अब तक मैंने बताया भैया कि तीन पॉइंटों का मूल बोला एग्जाम में बहुत ज्यादा है और ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है, क्लियर है भैया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं एनपीजीटी का पार्ट है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ही भी देखना है वर्धा और जो वैन गंगा का जो संगम है उस संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता। क्या कहा जाता है भैया, प्राणहिता। क्या कहा जाता है, प्राणहिता, क्लियर है भैया। तो ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। लोगों ने बात की है कौन सी नदी के बारे में भैया, गोदावरी नदी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नाशिक जिले की त्र्यंबकेश्वर यानी नाशिक पहाड़ियों से हुआ है। एक नदी धारकना भैया महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना पहुंचती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से अंत में बहती हुई गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में, क्लियर है भैया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए भैया इस नदी को दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या प्रमुख रूप से मृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है भैया। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है भैया इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1465 किलोमीटर। लेकिन भैया वर्धा हो गई, वैनगंगा हो गई, ये सभी कौन सी नदी की सहायक नदी है भैया, गोदावरी नदी की। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि भारत में जो कुंभ के जो मेले का आयोजन है वो कितनी जगह किया जाता है, 4 जगह। और दरकना प्रत्येक 12 वर्ष में मैंने बताया इस कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो मैंने बताया भैया आपको, मैंने बताया है कि केदारनाथ बद्रीनाथ, उसके बाद मैंने बताया उज्जैन और अपना नासिक, इन 4 जगहों पर धारकना कुंभ का आयोजन किया जाता है। और मैंने बताया तो भैया महाराष्ट्र के नासिक जिले में, मैंने बताया कहाँ पर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो कुंभ का मेला भरता है भैया वो कौन सी नदी के किनारे भरता है, गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, क्लियर है भैया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वर्धा और वैनगंगा नदी के संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है, क्लियर। मैं आप देख ठीक है, आवाज नहीं। गोदावरी नदी पर हमारी बात हुई, अगली नदी है अपनी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ठीक है भैया, आवाज नहीं। नेक्स्ट जो नदी है अपनी दारकना, अगली जो नदी है वो है कृष्णा नदी। तो देखो कृष्णा नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो अपनी कहीं ना कहीं गोदावरी नदी और कृष्णा नदी भारत के एक ही राज्य से निकली है जिस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की नासिक पहाड़ियों से या त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकली थी कौन सी, आपने मैंने बताया गोदावरी नदी। लेकिन महाराष्ट्र की महाबलेश्वर की पहाड़ियों से दरकना, मैंने बताया कहीं ना कहीं महाबलेश्वर की पहाड़ी या शहर यात्री की पहाड़ियों से निकली है अपनी कौन सी नदी भैया, मैंने बताया कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। तो देखो एक नंबर से महाराष्ट्र में दरकना एक कौन सी पहाड़ी है भैया, मैंने बताया महाबलेश्वर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, महाबलेश्वर, क्लियर है भैया। तो ये चीज अपन लोगों को समझना है कौन सी पहाड़ी भैया, ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर या अपन बोल सकते हैं दारकना भैया शहर यात्री पहाड़ी, शहर यात्री पहाड़ी, क्लियर है भैया। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट मैंने बताया कि हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, भारत के कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के आवास नहीं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट शहर यात्री की पहाड़ियों से निकली है अपनी कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से बहते हुए कहाँ जा रही है, कर्नाटक, कर्नाटक से नदी कहाँ जा रही है, तेलंगाना, तेलंगाना से कहाँ पर जा रही है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए जाना अंत में मैंने बताया भैया जाकर कहाँ पर गिर जाती है, वही बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर भैया, बंगाल की खाड़ी में। तो देखो मैंने आप लोगों को धड़कना
इस नदी का उद्गम बताया है, तो मैंने बताया है भैया कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ मैं, कृष्णा नदी की, कौन सी, कृष्णा नदी की। तो मैंने बताया भैया इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री की पहाड़ियों से हुआ है। लेकिन यह नदी महाराष्ट्र से ब्रह्मपुर से कौन से राज्य में पहुंचती है, कर्नाटक, कर्नाटक से अपनी कहाँ पर जाती है, तेलंगाना, तेलंगाना से कहाँ पर जाती है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए यह नदी अंत में जाकर कहाँ गिर जाती है भैया, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर भैया? तो हम लोग कृष्णा नदी के बारे में देख रहे हैं, तो अपन लोगों को कोई चीज समझना है भैया। सबसे पहले अगर हम लोग देखे कृष्णा नदी के बारे में, तो हमें समझना है भैया कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकली थी कौन सी, गोदावरी नदी, और महाराष्ट्र के मैंने बताया महाबलेश्वर के निकट शहर यात्री की पहाड़ियों से निकली है कौन सी नदी भैया, कृष्णा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। तो मैंने बताया भैया कि कृष्णा नदी का जो उद्गम है भैया वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की महाबलेश्वर के निकट, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के निकट, निकट सह्याद्री, सह्याद्री पहाड़ियों से। क्लियर भैया? मैंने आप लोगों को बताया है कि कृष्णा नदी का जो उद्गम है भैया वो महाबलेश्वर के दाखना, मैंने बताया महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट कौन सी पहाड़ियों से होता है, सह्याद्री पहाड़ियों से। गोदावरी नदी का उद्गम दरकना महाराष्ट्र के नासिक के निकट दरकना, नासिक या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से हुआ था। लेकिन मैंने बताया कृष्णा नदी का जो उद्गम है भैया वो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री की पहाड़ियों से होता है। लेकिन ये पहाड़ी यानी ब्रह्मपुत्र से ये नदी मैंने बताया सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलते हुए, यानी सह्याद्री की पहाड़ी कहाँ पर है, भारत के कौन से राज्य में, महाराष्ट्र, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। तो मैंने बताया ये नदी भैया सह्याद्री की पहाड़ियों से यानी महाराष्ट्र में बहते हुए ये नदी कहाँ पर पहुंचती है, कर्नाटक, कहाँ पर पहुंचती है भैया, कर्नाटक, कर्नाटक से ये नदी कहाँ पर पहुंचती है, तेलंगाना, कहाँ पर पहुंचती है भैया, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये नदी प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुंचती है भैया, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर पहुंचती है, आंध्र प्रदेश, आवास भी भैया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए ये नदी अंत में जाकर कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर गिर जाती है भैया, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है भैया? तो आपको एक चीज समझने की कोशिश करना है भैया, मैंने बताया है कि इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट शहर यात्री की पहाड़ियों से हुआ है, तथा यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए अंत में जाकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है भैया? लेकिन हम लोग वही आगे की बात करें तो कृष्णा नदी के बारे में हम लोगों ने बात की है, तो अपन कृष्णा नदी के बारे में बात करना है। क्लियर है भैया? तो हम लोगों ने बताया था कि भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी थी गंगा नदी, लेकिन मैंने उसके बाद बताया दक्षिण भारत या प्रायद्वीप के भारत की सबसे लंबी वो सबसे बड़ी नदी थी कौन सी, गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया दक्षिण भारत की, मैंने बताया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे दरकना मैंने बताया लंबी नदी कौन सी थी, गोदावरी नदी। लेकिन भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी थी गोदावरी। क्लियर है भैया? लेकिन गोदावरी के बाद दक्षिण भारत का दूसरा नंबर कौन सी नदी का आता है, कृष्णा नदी का, कौन सी नदी का, कृष्णा नदी का, जिसकी लंबाई दरकना 1400 किलोमीटर है। तो मैंने बताया भैया कृष्णा नदी के बारे में हमें थोड़ा समझना है, तो भैया मैंने बताया यह नदी, यह नदी, यह नदी, यह नदी गोदावरी के बाद, गोदावरी के बाद, यह नदी गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है भैया? मैंने बताया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी थी गोदावरी नदी, और दूसरा स्थान दक्षिण भारत में गोदावरी के बाद कौन सी नदी का आता है, कृष्णा नदी का। क्लियर है भैया? और इस नदी की जो लंबाई है भैया, मैंने बताया गोदावरी नदी की जो लंबाई थी वो कितनी थी भैया, मैंने आपको बताया 1465 किलोमीटर, लेकिन कृष्णा नदी की जो लंबाई है भैया वो कितनी है,
1400 किलोमीटर, कितनी है भैया? 1400 किलोमीटर, क्लियर है भैया? तो आप लोगों को देखो, मैंने पहला जो पॉइंट बताया इस नदी में, आपको बताया इस नदी का उद्गम स्थल, उसके बाद मैंने इस नदी का प्रवाह बताया, उसके बाद ये नदी कहाँ पर समापन हो रही है बताया, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया भैया कि गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। लेकिन हम लोग वही आगे की ओर बात करें भैया दरअसल कृष्णा नदी के बारे में, तो अपन लोगों को एक चीज समझने की कोशिश करना है भैया। मैंने आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक परियोजना है दरअसल, मैंने बताया भैया नागार्जुन प्रकोप से सागर परियोजना, क्लियर है भैया? आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो मैंने बताया भैया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर। मैंने बताया भैया तेलंगाना और कौन सी? आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर। मैंने बताया इन राज्यों की, मैंने बताया भैया सीमा पर, प्रमुख रूप से मैंने बताया सीमा पर, सीमा पर कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है नागार्जुन। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर परियोजना, क्लियर है भैया? नागार्जुन सागर परियोजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया कि नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। लेकिन जो नागार्जुन सागर परियोजना है भैया, एक कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की। कौन से दो राज्यों की? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना भैया? नागार्जुन सागर परियोजना। और ये नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सी नदी पर? तेलंगाना कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और ये बांध दरकना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों का एक संयुक्त बांध है जिसका निर्माण दोनों राज्य सरकारों ने मिलकर करवाया है, क्लियर भैया? लेकिन अगर हम लोग वही आगे की ओर बात करें कृष्णा नदी के बारे में, तो हमें आप लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है भैया। अगर कृष्णा नदी के बारे में अगर हम लोग वही आगे की ओर बात करें, तो मैंने बताया भैया भीमा हो गया, कोयना हो गई, तुंगभद्रा हो गई, तो उसके बाद मैंने बताया नई नदी प्रमुख रूप से आप लोगों को बताया घटप्रभा हो गई, मुशी हो गई, ये सभी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दरकना कौन सी नदी की? कृष्णा नदी की। तो देखो आप लोगों को ये चीज समझना है, इस नदी की मैंने आप लोगों से सहायक नदियों की बात की है, क्लियर है भैया? सहायक नदी कौन कौन सी देख सकते हैं हम लोग? भीमा हो गई, उसके बाद कोयना हो गई, कोयना हो गई, मुशी हो गई, क्लियर है भैया? तुंगभद्रा हो गई। कौन सी? तुंगभद्रा हो गई, क्लियर है भैया? भीमा, कोयना, मुशी, तुंगभद्रा, क्लियर है भैया? ये सभी प्रमुख रूप से मैंने बताया प्रमुख रूप से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? दरअसल मैंने बताया कृष्णा नदी की। एक बार देख सकते हैं इसमें अपन घटप्रभा, कौन सी नदी भैया? घटप्रभा। तो मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि हम लोगों ने एक कौन सी नदी के बारे में बात की है? कृष्णा नदी के बारे में। तो मैंने सबसे पहले बताया भैया कि इस नदी का उद्गम दरअसल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट शहर यात्री की पहाड़ियों से हुआ है, और यह नदी भैया महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक जा रही है, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रहते हुए कहां कर रही है? बंगाल की खाड़ी में, क्लियर है भैया? तो उसके बाद मैंने बताया महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र से कर्नाटक पहुंचती है, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और अंत में जाकर कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन मैंने बताया भैया कृष्णा नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी, क्लियर भैया? जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। लेकिन भैया मैंने बताया कृष्णा नदी पर ही कौन सी परियोजना? नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है, जो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, क्लियर है भैया? लेकिन वही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दरअसल मैंने बताया भीमा, कोयना, मुंशी, तुंगभद्रा और घटप्रभा एक कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं भैया? मैंने बताया कृष्णा नदी की। कौन सी नदी की? कृष्णा नदी की, क्लियर है भैया? तो ये चीज अपन लोगों को समझना है, ये अपनी दरअसल बात हुई कौन सी नदी के बारे में। देखिए अपनी आवाज में एक कौन सी नदी हुई थी अपनी गोदावरी, आवाज में गोदावरी के बाद हम लोगों ने पढ़ी कौन सी? कौन सी नदी? अब आवासी भी है करते क्या आपको? अगली जो नदी अपनी कौन सी है? कावेरी। चार तो यहाँ आवासी या नदी है, कावेरी नदी, कावेरी नदी।
देखो मैंने बताया महाराष्ट्र के नासिक की पहाड़ियों से निकली थी, कहीं ना कहीं मैंने बताया गोदावरी नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली थी, धारकना कौन सी कृष्णा नदी, लेकिन कर्नाटक के कोलकाता जिले की धारकना ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती अपनी कौन सी नदी कावेरी नदी, ये चीज अपन लोगों को समझना है। तो मैंने बताया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे देखें तो अगला जो राज्य आता है अपना महाराष्ट्र के दक्षिण में ही धारकना उसका नाम है, कहीं ना कहीं मैंने बताया कर्नाटक, कौन सा कर्नाटक। तो मैंने बताया भैया कर्नाटक में झारखंड, मैंने बताया एक जिला है जिस जिले का नाम है कुर्ग जिला, कौन सा कुर्ग जिला। तो मैंने बताया भैया बीच के अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया आवासी कर्नाटक, कर्नाटक में भैया मैंने बताया कौन सा जिला कुर्ग जिला, और कर्नाटक के कुर्ग जिले की झारखंड भैया मैंने बताया कि कौन सी पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी। तो ये चीज समझना है भैया हम लोग बात कर रहे हैं फिर कर्नाटक के कुर्ग जिले की, मैंने बताया कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से अपनी निकलती है कौन सी नदी कावेरी नदी, कौन सी नदी निकलती है भैया कावेरी नदी। लेकिन इस कावेरी नदी के बारे में भैया हम लोगों को थोड़ा समझना है भैया कि ये नदी जहाँ रखना मैंने बताया भैया कर्नाटक के कुर्ग जिले की कौन सी पहाड़ियों से निकली है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल करके नदी कर्नाटक से कहाँ पर जाती है, मैंने आप लोगों को बताया केरल, केरल से नदी कहाँ जाती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए ये नदी भी कहाँ पर गिर जाती है भैया बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, क्लियर है भैया। एक कौन सी नदी कृष्णा नदी, कौन सी कावेरी नदी, कौन सी नदी भैया कावेरी नदी, क्लियर है भैया। तो ये चीज समझना है, देखो मैंने बताया कर्नाटक के कुर्ग जिले की कौन सी पहाड़ियों से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकली है अपनी कौन सी नदी कावेरी नदी, और ये मैंने बताया भैया तीन कर्नाटक, कर्नाटक से मैंने बताया कहाँ पर आती है केरल, और केरल के बाद ये नदी कहाँ चली जाती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए ये नदी अंत में जाकर कहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, क्लियर है भैया। तो कावेरी नदी के बारे में हम लोगों को देखना है आपसी भैया कि इस नदी के हम लोग उद्गम की बात करें, उद्गम की बात करें तो मैंने बताया भैया इस नदी का जो उद्गम है भैया कर्नाटक में, कर्नाटक के कुर्ग जिले की, कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, क्लियर भैया। कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकली है कौन सी नदी कावेरी नदी, क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया भैया एक कर्नाटक से निकलते हुए ये नदी मैंने बताया कहाँ पर पहुंचती है केरल, वहां पर भैया केरल, केरल से डायरेक्ट बहती हुई नदी कहाँ पर पहुंचती है तमिलनाडु, कहाँ पर तमिलनाडु, और तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए भैया ये नदी मैंने बताया अंत में जाकर कहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर गिर जाती है भैया बंगाल की खाड़ी, क्लियर है भैया बंगाल की खाड़ी में। लेकिन भैया आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया, अगर हम लोग वही आगे की ओर बात करें तो हम लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है, हम लोगों ने कावेरी नदी के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने बताया भैया कि इस नदी का उद्गम कर्नाटक जिले के धारकना, कर्नाटक के कुर्ग जिले की मैंने बताया ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है, उसके बाद मैंने बताया कि नदी भैया कर्नाटक से केरल, केरल से तमिलनाडु, और तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए ये नदी अंत में जाकर प्रमुख रूप से कहाँ पर गिर जाती है भैया बंगाल की खाड़ी में, कहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कावेरी नदी के बारे में अगर हम लोग वही आगे की ओर बात करें तो हम लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है भैया, यह नदी प्रमुख रूप से मैंने बताया इस नदी की जो लंबाई है भैया आवासी, मैंने बताया कावेरी नदी की जो लंबाई है भैया वो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से धारकना कितनी है, इसकी जो लंबाई है भैया मैंने बताया वो कितनी है 800 किलोमीटर, कितनी है भैया 800 किलोमीटर की लंबाई में ये नदी क्या है भैया भारत में प्रवाहित होती है। लेकिन अगर लोग वही आगे की ओर बात करें भैया तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के अपवाह तंत्र को भारत में चावल या धान का कटोरा कहा जाता है, एक चीज आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी अपवाह तंत्र को भारत में चावल या धान का कटोरा कहा जाता है, कावेरी अपवाह तंत्र को, कौन से अपवाह तंत्र को भैया कावेरी अपवाह तंत्र को, मैंने बताया भारत में चावल या धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, क्लियर भैया। तो कावेरी का अपवाह तंत्र दक्षिण का मैंने बताया यानी धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहलाता है, क्लियर है भैया। तो इसी आप लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया कहीं ना कहीं प्रमुख से रखना कावेरी का अपवाह तंत्र, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कौन सा कावेरी का अपवाह तंत्र, कावेरी का अपवाह तंत्र दक्षिण में,
दक्षिण में चावल का कटोरा कहलाता है। क्लियर? क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण में चावल का कटोरा कौन सी नदी का अपवाद तंत्र कहलाता है? क्लियर है भैया? ये पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा भी गया है आप लोगों से, तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में आप लोगों को रखना है। उसके बाद अपन लोगों को थोड़ा सीखने की कोशिश करना है भैया, कावेरी नदी के बारे में हम लोग आगे की बात करें तो मैंने बताया भैया हेमवती हो गई, भवानी हो गई, उसके बाद मैंने बताया अमरावती हो गई, ये सभी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? धारकना मैंने बताया भैया कावेरी नदी की। कौन सी नदी की भैया? कावेरी नदी की। धारकना मैंने बताया कावेरी नदी की सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया हेमवती होगी भैया, हेमवती, उसके बाद मैंने बताया भवानी होगी, भवानी के बाद मैंने आप लोगों को बताया भैया प्रश्नों से हेमवती होगी, उसके बाद मैंने बताया भवानी होगी, और भवानी के बाद मैंने बताया अमरावती होगी। कौन सी भैया? अमरावती। फिर कौन सी नदी की सहायक नदी आए? कावेरी नदी। कौन सी नदी की? कावेरी नदी की। लेकिन भैया आप लोगों को कावेरी नदी के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रखना इस कावेरी नदी के द्वारा दो द्वीपों का निर्माण किया जाता है, एक शिव समुद्रम और एक श्री रंगपट्टनम। रखना शिव समुद्रम और श्री रंगपट्टनम जो द्वीप है, इस द्वीपों का निर्माण किया, मैंने बताया कहीं ना कहीं कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा। क्लियर है भैया? तो मैंने आप लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है भैया, मैंने बताया शिव समुद्रम हुआ श्री रंगपट्टनम। रंगपट्टनम मैंने बताया भैया नदी द्वीपों का जो निर्माण है भैया कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा। क्लियर है भैया? लेकिन आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, शिव समुद्रम परियोजना आवासीय भैया, मैंने बताया शिव समुद्रम परियोजना भारत के कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। कौन से राज्य में भैया? कर्नाटक। क्लियर भैया? कर्नाटक और केरल राज्य की एक संयुक्त परियोजना है, और मैंने बताया जो शिव समुद्रम परियोजना है भैया आवास नहीं, शिव समुद्रम परियोजना। क्लियर है भैया? ये परियोजना भैया कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। क्लियर है भैया? कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। लेकिन मैंने बताया कि परियोजना भैया कर्नाटक केरल की संयुक्त परियोजना है। कौन से दो राज्यों की भैया? कर्नाटक और किसी भैया? केरल राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी भैया? शिव समुद्रम परियोजना। लेकिन भैया आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दरकना भारत की सबसे बड़ी मैंने बताया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? नागर। और पहली थी दरकना और कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्लियर है भैया? लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की, दरकना एशिया और भारत की सबसे पहली, दरकना मैंने बताया दरकना कहीं ना कहीं एशिया और भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दरकना या दरकना शिव समुद्रम जो परियोजना है भैया एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी? शिव समुद्रम परियोजना। और इस शिव समुद्रम परियोजना का निर्माण भी कौन सी नदी पर किया गया है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर किया गया है भैया? कावेरी नदी पर। क्लियर है भैया? तो एक चीज अपन लोगों को समझना है कि कर्नाटक और केरल राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है भैया जिसका निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है। और मैंने बताया भैया कि एशिया की सबसे पहली दरकना जल विद्युत परियोजना मानी जाती है, तो एशिया की है। जब भैया मैंने बताया एशिया में महाद्वीप में कुल 48 देशों को शामिल किया जाता है, और हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दरकना शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी भैया? शिव समुद्रम परियोजना। तो शिव समुद्रम परियोजना मैंने बताया है भैया एशिया व भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। क्लियर है भैया? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कर्नाटक और केरल की। कौन सी नदी पर बनाया गया है इस बांध को?
कावेरी नदी पर, कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर, क्लियर है भैया। लेकिन आप लोगों से डायरेक्ट में मैंने बताया कि कावेरी नदी के बारे में हम लोगों ने बात की है, तो मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोई जिले की, मैंने बताया ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। ये नदी कर्नाटक से प्रवाहित होते हुए केरल आ रही है, केरल से कहा तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहते हुए नदी अंत में कहां पर गिर रही है? कर्नाटक पहाड़ी में, क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया भैया इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। लेकिन वही मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण में चावल का कटोरा किस नदी अथवा तंत्र को कहा जाता है? क्लियर है भैया। लेकिन नर्मदावती, भवानी, अमरावती, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? गर्गना मैंने बताया कि ये कौन सी नदी की? गर्गना कावेरी नदी की। लेकिन मैंने बताया भैया इस कावेरी नदी के द्वारा दो नदी द्वीपों का निर्माण किया जाता है जिनका नाम क्या है? शिव समुद्रम और श्री रंगपट्टनम। क्लियर है भैया। तो शिव समुद्रम और श्री रंगपट्टनम जो द्वीप है भैया वो कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर, कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया इस नदी पर, कावेरी नदी पर गर्गना शिव समुद्रम परियोजना का निर्माण भी किया गया है। और वहां मैंने बताया कि दोनों राज्यों की, कर्नाटक और केरल की, दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, कौन सी? शिव समुद्रम परियोजना, जो की एशिया और भारत की पहली जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कर्नाटक और केरल का। क्लियर है भैया। तो ये अपन लोगों ने देखा है किसके बारे में? डायग्राम मैंने बताया कावेरी नदी के बारे में, क्रेडिट बनाए आप लोग कावेरी नदी। क्लियर है, देखिए आवाज में अपनी जो अगली नदी है दरअसल मैंने बताया कावेरी के बाद कौन सी नदी है भैया? दूनी नदी। आवाज नहीं भैया यहाँ पर पूरा ध्यान रखें आप लोग, दूनी नदी, आवाज नहीं भैया। देखिए मैंने बताया दूनी नदी की अगर हम लोग बात करें भैया आप लोगों से, तो दूनी नदी ज्यादा कुछ विशेषकर नहीं है। दरअसल मैंने बताया भैया अपन लोगों को एक चीज समझना है भैया, मैंने बताया एक नदी है दरअसल मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं ब्रह्मपुर से राजस्थान में, मैंने बताया एक जिला है जिस जिले का नाम है अजमेर जिला, कौन सा? अजमेर। तो राजस्थान के अजमेर जिले के दरमियान अरावली पर्वत श्रेणियों के निकट से पर्वत यानी ये नदी निकलती है, कौन सी पर्वत श्रेणियों से? अरावली। क्लियर है भैया, अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलते हुए एक धार के पर्वतार होते हुए मैंने बताया अंत में आकर कहां तक जाती है? कच्छ के रण में। कहां पर? कच्छ के रण में। क्लियर है भैया, एक चीज समझना है भैया, ये अपना कौन सा? कच्छ का रण है, कौन सा? कच्छ का रण। क्लियर है भैया। और ये मैंने बताया अपनी क्या है? फरमादकी घाटी। क्या? फरमादकी घाटी। तो भैया आवाज नहीं, शांत हो जाए, कुछ अपन को विशेष नहीं देखना है लूनी नदी में। क्लियर है भैया, मैंने बताया इस नदी का जो उद्गम है, आवाज नहीं भैया, इस नदी का जो उद्गम है भैया वो मैंने बताया कहां से हुआ है? राजस्थान। कहां से हुआ है भैया? राजस्थान के, राजस्थान के कौन से जिले? अजमेर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी से निकली है, कौन सी नदी भैया? अरावली पर्वत श्रेणी से निकली है अपनी कौन सी नदी? लूनी नदी। जब लूनी नदी मैंने बताया आगे की ओर प्रवाहित होती है, तो यह नदी तार के मरुस्थल यानी वाली क्षेत्र से होते हुए मैंने बताया कहीं ना कहीं क्रम रूप से गुजरात और गुजरात के बाद आकर यह नदी अंत में कहां पर गिर जाती है? कच्छ के रण में। तो भैया आपको ज्यादा तरीके से कुछ नहीं पढ़ना है इस नदी में, अपन को ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया। आप आज नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस नदी का जो समापन है वो कहाँ पर होता है? कच्छ के रण में। कहाँ पर गिरती है भैया ये नदी? कच्छ के रण में। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान का जो अजमेर शहर है, राजस्थान का जो अजमेर जिला है भैया, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी के तट पर। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी पर। क्लियर है भैया। तो लूनी नदी के बारे में विशेषकर कुछ नहीं जानना है अपन को, ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुर से दरकिनार अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलकर राजस्थान वाले क्षेत्र में ही प्रवाह होते हुए ब्रह्मपुर से अंत में कहां गिर जाती है? कच्छ के रण में गिर जाती है। क्लियर है भैया। और मैंने बताया भैया राजस्थान का जो अजमेर जिला है कौन सी नदी पर बसा हुआ है? लूनी नदी पर। लेकिन लूनी नदी के बाद दरकिनार अगली जो नदी है अपनी वो कौन सी है? बनास नदी। कौन सी नदी भैया? बनास नदी। क्लियर है भैया। तो बनास नदी के बारे में अपन लोग बात करें तो मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं बनास नदी का भी जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? राजस्थान से। कौन से कहाँ से हुआ है भैया? राजस्थान से। और राजस्थान की कौन सी श्रेणी से? अरावली पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकली है भैया? मैंने बताया
बनास्पति कौन सी नदी निकली है भैया? बनास्पति क्लियर है भैया, लेकिन अपन लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है भैया। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की वह एकमात्र कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र से मैंने बताया समाप्त होने से पहले ही लुप्त हो जाती है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। और मैंने बताया बनास के बाद धारकना एक पॉइंट आप दूंगी नदी में भी देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है धारकना, मैंने बताया लेकिन समझना है दूनी और बनास तो कहीं ना कहीं ऐसी नदियां जो ब्रह्मपुर से समापन यानी समाप्त होने से पहले क्या है लुप्त यानी सूख जाती है। क्लियर है भैया? तो मैंने बताया ये लूनी नदी धारकना कच्छ के मैदानों में जाते जाते विलुप्त हो जाती है। क्लियर है भैया? मैंने बताया जो बनास नदी है ये भी ब्रह्मपुर से भैया राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकली है, लेकिन बनास से ज्यादा लुप्तीकरण के लिए फेमस है अपनी कौन सी नदी? लूनी नदी। क्लियर है भैया? और ये लुप्त कहां पर हो जाती है? कच्छ के मैदान यानी कच्छ के रण। क्लियर है भैया? क्या हो जाती है ये नदी? लुप्त हो जाती है। तो आप लोगों ने बात की किसकी? लूनी नदी की। तो मैंने बताया लूनी नदी का उद्गम भैया राजस्थान में अजमेर जिले के निकट कौन सी पर्वत श्रेणी से हुआ है? अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है। उसके बाद मैंने बताया ये नदी धारकना राजस्थान के धारकना मैंने बताया कुछ क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए कच्छ के मैदानों में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। क्लियर है भैया? तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग इसकी कहां से हो रही है? अरावली पर्वत श्रेणी से, और इसका समापन कहां पर हो रहा है? कच्छ के मैदान या कच्छ के रण में। क्लियर है भैया? उसके बाद मैंने बताया राजस्थान का अजमेर भैया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी के किनारे। उसके बाद हम लोगों ने बात की कौन सी नदी की? बनास नदी की। तो इस नदी का उद्गम भी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है। लेकिन भैया एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करके देख लेना है अपन लोगों को, तो आप लोगों से धारकना एक और नदी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कर्नाटक की ये नदी है। क्लियर भैया? कहाँ की? कर्नाटक की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्लियर भैया? आप बात नहीं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात धारकना अपना कौन सा जलप्रपात है? महात्मा गांधी या ब्रह्मपुत्र से? मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र से, जैसे जोरसप्पा के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुर से कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। क्लियर है भैया? तो भारत का आवासीय भैया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? महात्मा गांधी। कौन सा जलप्रपात है? महात्मा गांधी। क्लियर है भैया? इस महात्मा गांधी जलप्रपात को मैंने बताया भैया गैरसप्पा या जोग फॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर भैया? जोग फॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर भैया? और ये महात्मा गांधी जो जलप्रपात है भैया कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में। लेकिन कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। क्लियर है भैया? तो ये पॉइंट याद रखने अपन को कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? महात्मा गांधी या इसी को गैरसप्पा या जोगफोल के नाम से जानते हैं। ये जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। क्लियर है भैया? तो आप लोग हेडिंग बनाए लूनी नदी।